ये तो काफी पुरानी जगह लगती, ये चलते चलते हम कहाँ आ गए? सिमी, अब मैं थक चुका हूँ यार, और वैसे भी यहाँ आसपास और कोई जगह नहीं है, आज रात की बात है, प्लीज चलो चलो चल के देखते हैं। मुझे जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं तो कहती हूँ यहाँ से चलते हैं। चलो सिमी, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कम ऑन चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो मनी, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा सिमी, कम ऑन चलो। आप सिमी, देखो मसाले चल रही है, इसका मतलब जरूर यहाँ पे कोई ना कोई रहता होगा। मनी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अभी भी जाने वहां से, चलो ना प्लीज। सिमी, मैं वहां देखता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मेरी बात कभी नहीं सुनता। मनी, कहाँ हो तुम? मनी प्लीज यहां से जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मनी, 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 मनी कहाँ हो तुम? देखो मनी, मैं बोल रही हूँ यहां से चलो, चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मरी, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज यहां से चलो। मरी, सिमी, कहाँ हो तुम?
सच कह रही थी सिमी, ये जगह वाकई गड़बड़, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है सिमी। चलो जल्दी यहाँ से, चलो। इन आत्माओं से लड़ने की शक्ति हमें नहीं है, नहीं है। तुम कुछ ना कर सकते। प्लीज प्लीज मनी, कुछ तो करो। कोई तो रास्ता ढूंढो, मैं मरना नहीं चाहती। कोई रास्ता नहीं, कोई तो रास्ता ढूंढो। क्या करूं मनी? मनी वो देखो रोशनदान, अब यहाँ से निकल सकते हैं। चलो चलो यहाँ से, चलो अपना हाथ दो। कहते हैं मौत के बाद भी एक दुनिया होती है आत्माओं की। पर क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका कोई अपना करीबी आपसे पिछड़ जाने के बाद भी कहीं आपके पास है, या किसी अनजानी जगह पर किसी अनजानी शक्ति का एहसास हुआ है आपको? हट! हम लेके आए हैं इसी विश्वास और अंधविश्वास का एक नया रूप। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं शाहबाज आप सबका स्वागत करता हूं भारत के पहले हॉरर रियलिटी शो में, जिसका नाम है रात का खेल। एक ऐसा शो जो आज तक ना किसी ने देखा है और ना ही बना है। इस खेल में मुकाबला ना तो सच से होगा और ना ही ताकत से, सामना होगा तो सिर्फ खौफ से। इस शो में
हम आपके अपने चहेते 8 सेलिब्रिटीज को इस खौफनाक जगह में बंद कर देंगे और जो भी 8 दिन वहां रहकर आ गया वही होगा हमारा मौत का खिलाड़ी। और वैसे भी अभी जो आपने स्क्रीन पर देखा वो एक ट्रेलर था जो हमारे एक्टर्स ने आपको दिखाया कि इस शो में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। जिस जगह की छोटी सी झलक आपने हमारे इस टीवी पर देखी वो 200 साल पुरानी है। इंसान तो नहीं पर कहा जाता है वहां अनगिनत आत्माओं का वास है। Scary, isn't it? अब आपको उन एक्टर्स से मिलवाता हूं जिन्होंने इस एवी को बनाने में हमारी मदद की। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सिमी एंड मनी। वेलकम मनी, वेलकम सिमी। मनी, सबसे पहले आप बताइए कि उस जगह में जाने से पहले आपको कैसा लग रहा था? Well, actually, अगर मेरी बात कहूं तो इन आत्माओं में मैं विश्वास नहीं रखता था, इसलिए अंदर जाने से पहले मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था। कहानियां तो हर जगह की होती है, बस यही सोच के अंदर गया था। ओ, तो वहां जाने के बाद आपकी सोच बदली, डर लगा आप लोगों को? मैं तो पहले से ही बहुत डरी हुई थी और ये वीडियो बनाते वक्त मुझे कई बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ खड़ा है, कोई मेरे बाल खींच रहा है, मगर वहां होता कोई नहीं था। मैं बहुत डर गई थी, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। I'm just lucky to be back. वहां जरूर कुछ है, इनफैक्ट बहुत कुछ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अप्लॉज फॉर मनी एंड सिमी। थैंक यू मनी, थैंक यू सिमी, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोगों ने देखा, ये थे हमारे एक्टर्स के एक्सपीरियंस। पर अब इस शो में हम आपके चहेते उन 8 सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे जिन्हें उस जगह में रहना होगा पूरे 8 दिन। 8 दिन? आप लोगों को डर लग रहा है? मुझे भी। अरे छोड़ो यार, पर लाइफ में थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया तो क्या किया है? तो बुलाते हैं उन्हें जिन्हें डर नहीं लगता। मिलते हैं उन 8 जाबाज खिलाड़ियों से जो हमारे साथ खेलेंगे मौत का खेल। तो स्वागत करते हैं हमारे पहले 2 कंटेस्टेंट्स का। अब इनके बारे में आपको क्या बताऊं, एक ऐसी एक्ट्रेस जो हम सबके दिलों की रानी है, खूबसूरती की मलिका जिन्होंने भारत के गांव गांव में किया है अपना नाम। और ये है टेलीविजन के नए सितारे जिनकी चमक ने सारे देश को चकाचौंध करके रख दिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कंटेस्टेंट नंबर 1 एंड कंटेस्टेंट नंबर 2, द वेरी ब्यूटीफुल रोशनी एंड द वेरी हैंडसम गौतम। वेलकम गौतम। थैंक यू। हाय रोशनी। हाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, गौतम एंड रोशनी। और अब बुलाते हैं हमारे तीसरे कंटेस्टेंट को।
वेस्ट इंडिया की सुपरस्टार जो बरसों से टेलीविजन पर माँ के किरदार निभा रही हैं और अब अपनी असल जिंदगी में भी रियल लाइफ में भी माँ का किरदार बखूबी निभा रही हैं। अब हमारे चौथे कंटेस्टेंट एक ऐसे एक्टर जिन्होंने सिनेमा टीवी और थिएटर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। हाइप भले ही कम है लेकिन जोश और जज्बा सबसे ऊंचा। प्लीज 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 पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर केतकी एंड जान। अब माहौल थोड़ा रंगीन लग रहा है नहीं, तो चलिए और इंतजार ना करते हुए बुलाते हैं अपने अगले दो कंटेस्टेंट्स को। इनसे मिलिए हिंदुस्तानी टीवी की सबसे फेवरेट बहू जिनकी एक मुस्कान हम सबका दिल जीत लेती है। हिंदुस्तानी बहू की रोल मॉडल से एक्टिंग तक के सफर में इन्होंने अपने लाखों फैंस बनाए। टैलेंट के साथ जब गुड लुक्स भी मिल जाए तो मजाल है उसे कोई रोक पाए। अरे लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिशियन, अब ये कौन सा नया स्टंट है? अरे अरे कोई है, वो लिफ्ट ऑन करो। ये कैसी अरेंजमेंट है आपकी? इतने बड़े एक्टर्स को आपने हवा में लटका रखा है। इस लाइट को भी अभी जाना था, पूरा पार्टी का मजा ही किरकिरा कर दिया। कौन है उधर? कौन है? कौन हो? क्यों रो रहे हो? पीछे रहो मुझसे, पीछे रहो, मुझे जाने दो प्लीज। आह
होता है लेडीज एंड जेंटलमैन। वैसे भी हॉरर रियलिटी शो है तो ये सब थोड़ा बहुत तो खैर, प्लीज वेलकम आस्का एंड विवाह। वेलकम विवाह, वेलकम आस्का। So, ladies and gentlemen, हमारे छह कंटेस्टेंट्स तो आ गए, अब बुलाते हैं आखिरी दो को। नहीं नहीं नहीं, दरअसल ये लोग दो नहीं है, एक है। पूछिए कैसे, ये देखिए। हमारे सेलिब्रिटी कपल जिन्हें आपने पहले भी कई रियलिटी शोज में लड़ते झगड़ते देखा होगा, लेकिन जनाब जहां प्यार होता है वहां तकरार भी तो होती है। Ladies and gentlemen, please welcome Bakhtiyar and Tanaz. ये सब तो तैयार है मौत के खेल के लिए, पर क्या आप तैयार हैं? तो कंटेस्टेंट्स, आपको उस जगह पूरे 8 दिन बिताने पड़ेंगे और आखिर तक जो भी वहां रहेगा वही जीतेगा, एक नहीं दो नहीं पूरे 5 करोड़। हाँ तो रोशनी, आपको क्या लगता है क्या आप ये शो जीत पाएंगी? जैसा कि आप जानते हैं मैं एक बहुत बड़ा रियलिटी शो जीत के आ रही हूँ और आई थिंक मुझे जीतने की आदत हो गई है, सो आई एम श्योर ये शो भी मैं जरूर जीतूंगी। आई लाइक दैट, वाओ, कमाल का कॉन्फिडेंस है, कमाल का। गौतम, आपका क्या ख्याल है? देखिए हार जीत का तो मुझे पता नहीं, पर चैलेंजेस मुझे पसंद है। यहाँ पे आए सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस। केतकी जी, हाँ जी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपने इस गेम को लेके कोई स्ट्रेटजी या कोई प्लान बनाया है? मैं तो सिर्फ यहाँ अपने बच्चों के लिए आई हूँ, मैं मेरे बच्चे और देश के सारे बच्चों को ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर डर को मुट्ठी में कर लिया तो आगे तुम्हारी जीत ही है। हाँ लेकिन इतने दिनों तक बच्चों के बगैर रहूंगी, मैं उन्हें मिस तो करूंगी। आई कैन अंडरस्टैंड। और मिस्टर जान, आपका क्या ख्याल है? ये शो मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि आज तक मैंने जो भी काम किया उसमें मेरी हाइट का बहुत मजाक उड़ा गए, मगर मैं इस शो के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि मर्दानगी हाइट या वेट से नहीं दिमाग से होती है। जरूर, आई एम श्योर हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं और वो जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। अब पूछते हैं आशिका से। आशिका जी, आपने मौत के खेल को क्यों चुना? अब एक एक्टर को बार बार एक ही जैसे रोल मिलेंगे तो वो थोड़ा बोर सा हो जाएगा ना, इसीलिए अलग अलग रोल्स को निभाने के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस चाहिए। तो बहू बेटी के किरदार तो मैं अच्छे से निभा चुकी हूँ, अब थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और जीत का इनाम भी तो 5 करोड़ है। विमान, आपको क्या लगता है आप इस शो में कितना आगे तक जाएंगे? एक हीरो को हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि मुसीबत बताकर नहीं आती। डरता तो हूं लेकिन सिर्फ हार से, मैं यहां जीतने आया। That's it. अरे वाह, इतनी तालियां, इसीलिए तो हीरो कहते हैं आपको। चलिए अब चलते हैं हमारे लवली कपल के पास, बख्तियार और तनाज। तनाज, पहले आप बताइए कैसा लग रहा है? आई डोंट नो, फ्रैंकली बताओ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली शायद आपको पता नहीं लेकिन मुझे हॉरर स्टोरीज देखना और डरावने कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है, और इस शो के थ्रू मुझे डरावने बंगलों में रहना मिलेगा। आई मीन दैट्स सो एक्साइटिंग। एक्चुअली हमें जब ये शो ऑफर किया गया था तो आई वॉज क्वाइट अनश्योर, लेकिन मैंने सुना है कि जब तक आप इन आत्माओं को परेशान नहीं करते हो वो भी आपको परेशान नहीं करती,
और फिलहाल तो मैं एक बहुत बड़ी आत्मा के साथ अंदर जा रहा हूँ जो मेरे साथ घर पे भी रहती है। आई होप के बख्तियार की आत्मा वाली बात सच्ची हो, क्योंकि आज तक जो भी वहां गया है सिर्फ पछताया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखा आप लोगों ने कितना भरोसा है हमारे कंटेस्टेंट्स को अपने आप पर। अब इनके भरोसे को और हिम्मत देने के लिए शो का ग्रैंड प्राइज भी दिखा देते हैं, 5 करोड़ रुपए। तो अंदर भेजने से पहले इस गेम के रूल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। रूल नंबर 1, कोई भी सेलफोन, किताब या वॉकमैन जैसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जा सकता। रूल नंबर 2, चूंकि हम नेशनल टेलीविजन पर होंगे इसलिए हम चाहेंगे कि आप गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें। अब रूल नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कोई भी कंटेस्टेंट किसी भी वक्त उस जगह से भागने की कोशिश ना करें। अगर कंटेस्टेंट ने ऐसा किया तो वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाए। आप सबको अपने अपने कमरे दिए गए, अगर आप वहां न रहना चाहें तो उस जगह पर एक रेड बटन लगा हुआ है, उसे दबाते ही कंटेस्टेंट का सफर वहीं पे खत्म। तो माय डियर कंटेस्टेंट्स, जो भी पूरे 8 दिन वहां पर रह जाएगा वही ले जाएगा इसे घर। So, all the best. It's the survival of the fittest. जो सबसे अच्छा उसी की जीत हो। मौत का खेल बे। जैसा कि आपने देखा, उस दरवाजे पर ताला लग चुका है और अब यह दरवाजा 8 दिनों के बाद सिर्फ विजेता के लिए ही खुलेगा। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि उन सबके साथ क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कि हमारे कंटेस्टेंट्स कहां तक पहुंचे।
स्क्रीन ऑन किया जाए। रोशनी, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम हील्स की जगह नॉर्मल शूज पहनती तो थोड़ा तेज चल सकती थी? तुम्हें नहीं लगता कि यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस? ओह दैट वे, एक्सक्यूज मी मैडम, अगर आप ऐसे ही चलती रहें तो मुझे लगता है कि मुझे आगे जाना होगा। थैंक यू, व्हाटएवर। या हे भगवान, यहाँ पे लाइट नहीं है, एक आध लाइट तो होनी चाहिए ना सुरंग में। ओहो केतकी जी, बत्ती लगा देते तो इतना डरावना कैसे दिखता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई होप यहाँ खाना वाना तो अच्छा होगा। अभी से खाने की टेंशन हो रही है, क्या आप 8 दिन यहाँ पर टिक पाएंगे? Shut up, Vivian. Yuck! कितना stupid सा tunnel है। हमें यहाँ पे 8 दिन के लिए रहना पड़ेगा। Stop creeping यार, कभी तो हंस के काम किया करो। Just shut up. तुम्हारे साथ बात करने में मेरा कोई interest नहीं है, okay? मुझे भी कोई ज्यादा interest नहीं है। पर अगर ये 5 करोड़ के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ आता भी नहीं था। कितने? Shut up यार। तू डराओ मत यार। चुप रहो। फिसलने यहाँ पे। या आई नो, तुम अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करो। कहा था कि संभाल के चलो, फिसलन है यहाँ पे। I'm fine now. तुम मुझे छोड़ सकते हो। पकड़ने का शौक नहीं है, अगर तुम ढंग से चलो तो। No, please. Guys, थोड़ा संभाल के चलिएगा, फिसलन है यहाँ पे। अभी अभी हमारी दोस्त रोशनी गिरते गिरते बची है। संभाल के आइएगा। अरे टॉर्च सीढ़ियों पे मारिए प्लीज। एक आध लाइट तो रखनी चाहिए थी यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ केतकी जी यहाँ से चली थी, लेकिन उन्हें देख के लगता नहीं कि वो भी निडर हैं। छोटा दरवाजा है, संभाल के। ये सुरंग खत्म होगी भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह सुरंग के अंदर ही बनी हो? सबर करो जान भाई, मुझे लगता है टनल खत्म ही होने वाला है। एकदम सही, अगर ऐसा ही जज्बा रहा तो तनाज 5 करोड़ जीत सकती है। बख्तियार,
क्या हुआ? आवाजें निकाल के हमें डराने की कोशिश मत करो यार। आवाजें? कौन सी आवाज? मैंने कोई आवाज नहीं निकाली है, प्लीज। ओ प्लीज, आई स्वेयर मैंने कोई आवाज नहीं निकाली है। तुमने अभी आवाज अरे अरे ये क्या हुआ? स्क्रीन क्यों बंद कर दिया? स्वागत है।